जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ झारखंड से। मुंगेर सीट को लेकर जिस तरह से गिरिराज सिंह का नाम आ रहा है, केंद्रीय मंत्री जो पहले नवादा के सांसद हुआ करते थे, अभी बेगूसराय के हैं, तो ऐसे में हालांकि वे वहां के जो अभी सांसद हैं ललन सिंह जी और पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मैं पीएम मोदी के पक्ष में और भाजपा के पक्ष में। लोकसभा में भी उन्होंने जिस तरह से अच्छी बात कही, मतलब पीएम मोदी के बारे में, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारे पास और नीतीश कुमार के पास क्यों नहीं ईडी और सीबीआई कभी आती है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या वो मुंगेर सीट बचा पाएंगे? क्योंकि गिरिराज सिंह को अगर मुंगेर नहीं दिया जाता है तो बेगूसराय में तो राकेश सिन्हा को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है और जो लॉबिंग उनकी दिल्ली में है आरएसएस और भाजपा के साथ, तो ऐसे में तो गिरिराज सिंह अब बेगूसराय से नहीं चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। जी देखिए, ललन सिंह जो अब जो कह रहे हैं और जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो अगर कह रहे हैं तो यह तो है कि नीतीश कुमार में ऐसा कुछ नहीं आरोप लगा। अगर होता तो जिस तरीके से अलग थे तो भाजपा फिर उनको छोड़े भी नहीं रहती, ठीक है, वो तो है। अब वो क्या है नहीं है वो भी, उनके बारे में भी हमको बहुत नहीं पता बहुत तरीके से। तो कह रहे हैं मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, जो परिस्थितियां बदली है तो उसमें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब ऐसे ही तो पांव पैदल लगभग हुए हुए हैं, अध्यक्ष चली ही गई, कहीं कोई उनके लोगों को भी किनारे कर ही दिया गया। तो ले जे के नीतीश जी ठीक है, अभी साथ रखे हुए हैं पूरी तरह से नहीं, आंख तरे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अभी गुंजाइश बनी हुई है, तो करना उनकी मजबूरी है। और चूंकि अभी तो पूरी तरह जो है राजनीति में तो संभावना की बात होती है, तो संभावना के द्वार तो अभी पूरी तरह बंद होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी सीटिंग है ही है, सांसद है ही है। लेकिन जो परिस्थिति बन रही है और जो दिख रहा है उसमें पहले से भी जो भाजपा का भी जो अंदरूनी सर्वे वगैरह आया, उसमें भाजपा सिर्फ अपना ही सर्वे नहीं करवाती है, वो सहयोगी दलों को भी या दूसरे दलों को भी देखती है कि कहाँ कौन मजबूत है, कहाँ कोई कमजोर है, तो किसके कारण। तो पिछले कई 2-3 साल से आप देखिएगा कि कुछ कुछ जो प्रकरण वगैरह वहां होता रहा है, सब कुछ है, उसके आलोक में भी वहां से उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही, ठीक है। रहा भाजपा का बात और बेगूसराय सीट की बात, तो बेगूसराय सीट में भी गिरिराज सिंह की स्थिति वहां अच्छी बहुत नहीं बताई जा रही, भाजपा के अंदरूनी जो है जो बात है उसमें, इसलिए है कि उनको चूंकि फायर ब्रांड नेता की तरह है, बहुत मजबूती से रखते हैं, एक अपना जो चेहरा बनाए हुए हैं तो आक्रामक तरीके से बोलते हैं, तो कुछ भाजपा को ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है कि संभल के नहीं कुछ भी बोल दीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको बहुत तरीके से तो किनारे नहीं करेगी। हाँ, उम्र के हिसाब से सामने कहीं कुछ लग जाए तो घर बैठा दिए जाए तो अलग है, तो उनको सीट देने की बात है। अब सीट मुंगेर अभी पहली प्राथमिकता में है कि मुंगेर मिलेगा, दूसरी बात नवादा की भी कही जा रही है कि फिर उनको नवादा भी भेजा जा सकता है। लेकिन जो नीतीश कुमार की जो स्थिति आप देख रहे हैं और जिस तरीके से वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अपने 16 सांसद में जो चर्चा चल रही है कि 6 सांसद की कुर्बानी कर देने के लिए तैयार है, सीट की 10-12 पर भी मान जाएंगे और लड़ लेंगे, तो उनको तो सीट खुद ब खुद कम हो जाएगा, तो फिर किसको कहाँ से देंगे और नहीं देंगे, ठीक है ना। यह स्थिति हो जाती है, सीट की अदला बदली कर लेते हैं तो कहाँ कैसे कर लेते हैं, जो चूंकि कुछ कुछ उनका विश्वासी जो लोग हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हो गए, बहुत लोग हैं जिनको नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो उस सीट का अदला बदली कर लेंगे, इधर से उधर कर देंगे, उधर से उधर कर देंगे, तो उसमें फिर हमको नहीं लगता है कि जमुई सीट उनको मुंगेर सीट उनको लेना जो है बहुत माने मंजूर भी होगा, वो चाहेंगे कि हम जबरन कुछ बीटो वीटो लगा के ले ले कि नहीं भैया, वो नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो स्वभाव है वो भले अब ललन सिंह जी कितना भी कुछ कर ले, ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनको सीट उठ देने जाएंगे।
इस हिसाब से मुंगेर सीट तो जदयू छोड़ने ही वाली है हर हाल में, ठीक है ना। अब कहीं कुछ ऐसा हो जाए ललन सिंह जी के भाग से, कुछ होता है वो भी सामने आ जाता है। अब यही बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम में देखिए ना भैया, तो कोई सोचता भी था कि चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री बनेंगे और बातें होंगी। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा ही कुछ हो जाए तो 2% 5% मान के चलिए कि उनके लिए सकारात्मक है, लेकिन 95% उसको आप निगेटिव ही मान के चलिए, चाहे जो हाथ पर दौड़ा ले। अब उनका आगे फिर अब क्या उनके लिए अगर कुछ नीतीश जी चाहते हैं तो समायोजन वगैरह करेंगे तो कहीं कुछ बात निकलेगी, क्योंकि राज्यसभा उस सभा में भी अब कैसे भेजे जाएंगे, क्या भेजे जाएंगे, हमें तो ललन भी सिंह समझ में को नहीं उनके आता। अपने ही संसदीय क्षेत्र में भी मैं ऐसा सुना जाता है कि लोग पसंद अब नहीं कर रहे हैं उनके अब व्यवहार वो तो को लेकर। आपको बताए ना हो क्या गया ना, कि वहां नीतीश जी के इधर उधर होने के कारण भी ना, जो उनका वोटर है उसको भी तो बड़ी मजबूरी होती रहती है, पसोपेश में हो जाता है। अब जो आदमी लालू जी का वोटर है, जो मारा मारी करने के लिए बूथ पर तैयार है कि हम भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार को नहीं जीतने देंगे, तो जदयू भी तो वही हो गई, नहीं जीतने देंगे। फिर आप पलट के उधर साथ चले जाते हैं, अब वो किस तरीके से सामंजस्य होगा जमीन पर। नेता लोग तो बैठ गए मिल लिए, लेकिन वहां जो दिक्कत हो जाती है, अब ललन सिंह संतुलन बैठा रहे थे लालू जी के समर्थकों से वहां पर, अब फिर अचानक स्थिति बदल गई, अब फिर उधर संतुलन बैठाना है, तो ये सब तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। नीतीश कुमार जी के लिए बड़ी सहज हो जाता है, क्योंकि उनको तो अपने खुद चुनाव उनाव लड़ना उड़ना है नहीं, कुछ करना नहीं है, लंबे समय से कहाँ चुनाव लड़ के आए हैं, माने आते तो विधान परिषद से है ही है, तब तो मुख्यमंत्री है, मतलब सीधा जो लड़के आना होता है मैदान में जाके, वो कहाँ लड़ रहे हैं। तो विरोधी लोग तो कहता भी है कि जो अपने ने चुनाव लड़के जीतते वो दूसरे को क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो परिस्थितियां ऐसी बन जाती है तो जीत जाते हैं, करीब भी ज्यादा कुछ बोलना हो जाएगा। लेकिन ललन सिंह के लिए तो वहां भी मजबूरी है, तो वही हम आपको बता रहे हैं कि जो लोग बता रहे हैं कि भाजपा भी जो सर्वे करवाई है ना, उसमें आया है कि नहीं भैया, मुंगेर सीट अगर जदयू को दिया और वहां से अगर फिर ललन सिंह उम्मीदवार हो गए तो हमारा एक सीट खिसक सकता है, मतलब एनडीए का एक सीट जा सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार को कहा गया है कि भैया हमका मुंगेर सीट दे दीजिए, अब फिर जो आपको होगा उधर कहीं अपना समायोजित कर लीजिए, फिर बदल आपको जहां लगता है तो कुछ कर लीजिए। तो यही स्थिति है, इसलिए ललन सिंह तो मझधार में फंसे ही दिखते हैं, जो अब हमको लगता है, वैसे क्या हो जाए तो कहना बड़ी मुश्किल है। तो जी क्या उनकी वापसी पार्टी में किसी पद पर होगी, किसी पदाधिकारी के तौर पर होगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी नीतीश कुमार हैं ही। देखिए, अभी पहले लोकसभा चुनाव का परिणाम आ जाने दीजिए, फिर अभी जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार वगैरह हो जाए, तो पार्टी का विस्तार वगैरह जो कुछ होना है ये सब लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, फिलहाल अभी कुछ होना जाना है नहीं है। अब है कि उनको क्या भूमिका दी जाएगी नहीं दी जाएगी, तो ये भी देखना होगा। तो अब नीतीश कुमार पर निर्भर है कि एक क्या करेंगे, एक आखिरी या फिर सवाल उनको एक कि उन्होंने अपनी कोई जमीन क्यों नहीं बनाई? वो बहुत पुराने नेता अपने आप को बताते हैं, और कभी मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर के समय से ये कहीं ना कहीं राजनीति में है ललन सिंह जी। तो कोई एक ऐसी जमीन जो उनका अपना जनाधार होता, क्योंकि मुंगेर से एक बार तो उनकी हार भी हुई है। देखिए, राजनीति में परिकर्मा वाला नेता जो होते हैं ना, और जो जमीनी नेता होता कुछ पहले अपना जमीन बना करके, ठीक है, तब तो वह नेता की नजर में आता है, ठीक है, तब तो वह महत्व पाता है। राजनीति की जो शुरुआत होती है वैसे नहीं हो जाती कि शुरू में ही किसी पार्टी में चल गए, कुछ है गांव में अपना थोड़ा प्रभाव बनाता है, जैसे फिर गिरिराज प्रखंड में सिंह को जाता ही है। देखिए, गिरिराज सिंह ने बहुत लंबे समय तक पार्टी में रहते हुए छोटे पदाधिकारी से ऊपर चढ़ते चढ़ते गए, यहाँ तक गए। अरे यार, उसके गिरिराज सिंह भी बाद कितना बार चुनाव हारे हैं, लखीसराय में कितना बार चुनाव हारे हैं, हमारे रहते तो फूलेना सिंह हारे थे आरजेडी से, जो भी उन्हीं की बिरादरी का, दारू शराब के कारोबारी थे, क्या क्या करते थे, और वहां उनको हरा दिया था, गिरिराज सिंह को फूलेना सिंह ने हराया था। तो कितने बार हारते गिरते चढ़ते रहे हैं, तो वो चूंकि परिक्रमा नहीं, पटना में बैठ के परिक्रमा नहीं ना करते थे जी, क्षेत्र में कहीं किसी क्षेत्र को पकड़ा, क्षेत्र विशेष को अपना आधार दे, जैसे राजनीति आपको एक उदाहरण देते, संजय मयूख आपको याद होगा, जो अभी विधान परिषद के सदस्य होते हैं, तो हम ही लोग उनसे पूछ रिलीज वगैरह लेके आते थे, बहुत जमीनी स्तर के नेता थे, लेकिन उनका गांव माने
कार्यकर्ता वाले नेता नहीं थे, ऑफिस वाले नेता थे, नेताओं के नजदीक रहना, सब कुछ करना, तो पहुंचाते थे। तो हम ही लोग कई बार पूछते थे कि अरे भैया, तो अब जो कर रहे हैं तब कहाँ से इलेक्शन उलेक्शन लड़िएगा, आपको कौन क्षेत्र से टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बोले कि अरे टिकट उकट वाला हमको नहीं बनना है, हम कहाँ से मिलेगा टिकट, हमारा जात का कहाँ आदमी रहेगा, कहाँ रहेगा प्रभावी की हमको टिकट मिलेगा। तो हम कहीं एमएलसी हो सकते हैं, राज्यसभा हमें जा सकते हैं। अब देखिए समय के साथ लगे लगे तो भाई भी है, बहुत विधान परिषद के सदस्य हो ही गए। तो राजनीति दो तरीके से होती है। अब संजय निरुपम को आप देख रहे हैं ना, अपने बिहार के ही थे, जाकर ठाकरे जी के साथ रह के अपना रहते थे, महत्व के दबाव पाते, आज के तारीख में कहाँ कहाँ घूम रहे, कहा किधर किधर घूम रहे, हर एक जगह बिहार में भी हैं, बिहारी हैं तो बिहार में संभावना तलाश है, लेकिन वहां क्या हो गया, कौन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और क्या जीतेंगे, तो ये सब होता है। लेकिन जो जमीनी नेता है, जब अपना आधार बना के, तब जो उस पार्टी का विशेष है, पार्टी का जो अगुआ है, मुखिया है, उसकी नजर में आता है कि अरे भैया उसको अपने तरफ लो, उसमें संभावना है, वो जीत भी सकता है, तो उसको पकड़ कर लाते हैं लोग कि भैया आओ मेरे पार्टी में रहो। ऐसे बहुत उदाहरण है, जो राबड़ी देवी को जो जो सतीश कुमार ने राघोपुर में हराया, वो था जो कि जमीन से जुड़ा नेता था, नीतीश कुमार के उम्मीदवार के रूप में हरा, वहां नीतीश कुमार को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था वहां लड़ने के लिए, और उनके भाई पत्रकार थे, आप पहचानते होंगे, वो बोले कि अरे तो हमारे भैया को दे दीजिए ना, सो तो है ही है, नेतागिरी करता है, और मुखिया उखिया बने हुए थे सब कुछ, उनको बुला के टिकट दे दिया, पहला बार में तो नहीं जीते, दूसरा बार में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री रहते हरा दिया। राजनीति दो तरीके से होती है, तो इनका राजनीति वही रहा है। कुल मिलाकर ललन सिंह के लिए संकट अभी बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिलता है कि नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल आपने जो समय निकाला उसके लिए आपका आभार। नमस्कार। जी जी